आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि वीवीए के अंदर जो प्री डिफाइंड रिकॉर्डेड माइक्रो वाली जो फैसिलिटी होती है उसका क्या बेनिफिट है और क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कई लोगों की कंफ्यूजन है उसको दूर कर देता हूं। कुछ लोगों की कंफ्यूजन ये होता है कि जो माइक्रो होता है दैट कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इन जो हम करते प्रोग्रेस। हैं, रिकॉर्डिंग माइक्रो करते हैं उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं, रिकॉर्ड माइक्रोज कहते हैं। जो यहाँ डेवलपर टाइप के अंदर या व्यू के अंदर जो रिकॉर्ड माइक्रो दिखता है उसको माइक्रोज कहते हैं, और जो खुद से कोडिंग कहते हैं उसको वीवीए कहते हैं। एक कंफ्यूजन को दूर कर ले, क्यों इसलिए, क्योंकि आप अगर वीवीए के जरिए कोडिंग करें या फिर रिकॉर्डिंग माइक्रो के जरिए रिकॉर्ड करें, दोनों केसेस में क्या होगा, माइक्रोज ही बनेगा, माइक्रोज ही बनेगा। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग माइक्रो के फीचर के बारे में जानते हैं, क्या करता है रिकॉर्डिंग माइक्रो। जैसे मैं माइक्रो रिकॉर्ड कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया, अब क्या हुआ कि हमारे माउस कीबोर्ड स्क्रीन को मॉनिटर कर रहा है, जो भी कुछ करूंगा सबको वीवीए कोड में कन्वर्ट करता चल जाएगा। एक तरह से आपकी एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग समझिए, वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो की तरह रिकॉर्डिंग समझिए, लेकिन वीडियो फ्रेम में नहीं, फोटो फ्रेम में नहीं, वो कोडिंग फ्रेम में डालेगा। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे नाम लिखा, मैंने यहाँ इस पे C1 पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे रोल लिखा, यहाँ पे मार्क्स लिखा। तो ये सारा जो लिखने की प्रक्रिया है, ये सारा प्रक्रिया कहाँ चला गया, कोडिंग में। आप अगर इस माइक्रो के अंदर जाएं और एडिट करें तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम प्रोग्रामिंग जब भी करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। तो बोले किस तरह से, तो चलिए हम कंपेयर करते हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो कोडिंग माइक्रो में क्या समानता है। और एक बार जो पहले से कुछ खुले हुए माइक्रोज है मैं उसको एक बार बंद कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गए डेवलपर में, हम गए रिकॉर्ड मैक्रो, हमने इसको किया ओके, हमने V1 पे नेम लिखा सिंपल सा और इसको स्टॉप कर दिया। फिर विजुअल बेसिक पे जाते हैं, एक मॉड्यूल्स बन गया है, इस मॉड्यूल्स में जाते हैं और इसके अंदर यहाँ भी हम भी सब्जेक्ट और यहाँ पे RR/ कोड कर देते हैं। यहाँ भी हमने लिख दिया कि रेंज C1.value इक्वल टू रॉ। अब देखिए दोनों काम सेम है, मतलब अगर मैं रन करता हूं यहाँ पे माइक्रोज में, जो रिकॉर्डर माइक्रोज है उसको अगर रन करता हूं तो B1 पे नेम लिख देता है, और सेम अगर मैं RR को रन करता हूं तो क्या करता है, C1 पे रॉल लिख देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे होता है, अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि जब रिकॉर्डिंग माइक्रो हुआ तो आप देख सकते हैं कि कई सारे लाइन की कोड लिखा, 3 लाइन का कोड लिखा, लेकिन जब हमने कोड किया तो 1 लाइन का कोड किया, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका जवाब सिंपल सा है, सिंपल जवाब क्या है कि जब रिकॉर्डिंग माइक्रो होता है तो ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो, रिकॉर्डिंग माइक्रो ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है, लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं तो मुझे जो जरूरत के हिसाब से चाहिए होता है वो उसमें डाल देते हैं। ठीक है, जैसे आपको बॉस से छुट्टी मांगनी है, दीपांशु जी आपको अपने बॉस से छुट्टी मांगनी है, तो बॉस को जाके केबिन में जाके थोड़ी यस बोलेंगे कि सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, सर, यस सर, विषय 3 दिन की अवकाश चाहिए, श्रीमान यस आपसे सविनय निवेदन है कि दिनांक इतना तारीख से इतना तारीख तक, अच्छा लगेगा सर क्या। आप केजुअली बोलोगे कि कल बॉस छुट्टी चाहिए,
लेकिन जब बॉस ने बोला कि ठीक है रिटर्न एप्लीकेशन दे दे, तो क्या लगा रिटर्न एप्लीकेशन में क्या लिखोगे? बॉस कल छुट्टी चाहिए। जब रिटर्न नहीं सर, एप्लीकेशन किसी के पूरा पास पूरा हुआ तो एक फॉर्मेट ऑफिशियल लिखना लैंग्वेज को पड़ता है। फॉलो करेंगे क्या सर? सो सेम थिंग मोहसिन जी, सेम थिंग यहां पर है कि हमने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, जब रिकॉर्डिंग माइक को जब होता है तो ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है, लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं तो अपने हिसाब से कोडिंग करते हैं। समझ गए? अब ओके यहां पे क्वेश्चन आता है कि हम क्यों सीखेंगे वीवीएम माइक्रो, जो ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डिंग माइक्रो है जो कि कोडिंग कर दे रहा है, तो हम सीखे क्यों? तो इसका जवाब ये है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो एक लिमिटेड काम ही आपके साथ करेगा। रिकॉर्डिंग माइक्रो कंडीशन नहीं लगाएगा, रिकॉर्डिंग माइक्रो लूपिंग नहीं करेगा, रिपीटेशन नहीं करेगा, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस से कनेक्टिविटीज नहीं करेगा, डायनेमिक नहीं होगा, इसके बगैर काम कुछ होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो कोई यूज का नहीं। देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो का दो तरह का यूज है, एक मैंने बताया भी था आपको। पहला यूज है एज ए डिक्शनरी। जब आप कोई लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कि मुझे अगर रशियन सीखना हो तो मैं क्या करूंगा? पहले हिंदी टू रशियन या इंग्लिश टू रशियन का डिक्शनरी लूंगा ना, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा। तो उसी तरह से एक डिक्शनरी की तरह काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमें पेस्ट स्पेस पेस्ट एज ए वैल्यू का कॉपी कोड नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? मैं रिकॉर्डिंग यहां से भी शुरू कर सकता हूं। यहां पे जाऊंगा, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा, और कॉपी करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे कर दूंगा वैल्यू, और यहां पे करूंगा स्टॉप। स्टॉप करने के बाद अब मैं विजुअल बेसिक पे जाता हूं, यहां एडिट पे आता हूं, तो यहां पे आप देखोगे कि एक पेस्ट स्पेशल का कोड यहां पे जनरेट कर दिया। तो पेस्ट स्पेशल का कोड जो है यहां जनरेट हो गया। अब मैं इसको देख के समझ जाऊंगा कि पेस्ट स्पेशल आखिर करता क्या है, क्लियरली समझ जाऊंगा। तो ये डिक्शनरी के रूप में वाम काम करेगा। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि मान लीजिए कि अगर मुझे डीवी आ गया, मुझे डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, तब तो इस रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज नहीं होगा। हम तब भी इस रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं। किस केस में हम इस्तेमाल करते हैं? जब हम इसको, हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमने कथा तो बहुत कह ली, अब चलिए एक लाइव प्रोजेक्ट, मतलब कि एक एक तरह का काम हम करते हैं आपके साथ, ठीक है? तो मेरे पास एक डेटा है जो कि आपके सामने है। इस डेटा को लेके मैं एक इसी सीट के ऊपर डाल देता हूं, इसका नाम दे देता हूं डेटा, और यहां पर डिलीट कर देता हूं। अब ये डेटा जो है ना पूरे साल का, और ये डेटा जो है पूरे के पूरे हमारे पैन इंडिया का डेटा है। अब मुझे क्या होता है, कोई मुझसे पूछता है कि मुझे फलाने सिटी का डेटा दे दो, मुझे इस सिटी का डेटा दे दो, तो मुझे उस सिटी का डेटा निकाल के एक फाइल में कॉपी कर पेस्ट करके और उस फाइल को सेव करके देना होता है। तो मैं चाहता हूं एक ऐसा माइक्रो बने जिसको रन करूं तो मुझसे पूछे पहले सिटी, मैं जो सिटी डालूं उसी सिटी का डेटा को कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट करके उस सिटी के नाम से सीट और फाइल बना दे। रिक्वायरमेंट समझ में आया आप लोगों को? रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। तो प्रॉब्लम सीधा सा है कि मेरे पास एक लंबा चौड़ा बड़ा डेटा है, मैं एक ऐसा ट्रिगर बनाना चाहता हूं, माइक्रो बनाना चाहता हूं कि मैं रन करूं, रन करते ही मुझसे सिटी पूछे, मैं उस सिटी का नाम फीड करूं, उस सिटी के डेटा कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट कर दे और उस फाइल का नाम भी उसी सिटी के नाम से हो।
क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे VBA प्रोग्रामिंग में रिकॉर्डिंग मैक्रो। चलिए मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पे हमने रिकॉर्ड पे क्लिक किया। अब देखिए रिकॉर्डिंग में आपको ये देखना है कोड क्या है, तो हमें विजुअल बेसिक खोल लेता हूं और इसको मैं डुअल स्क्रीन कर देता हूं, रिलीज कर देता हूं। अब यहां से मैंने डेवलपर में गए और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। मैक्रो का नाम हम यहां पे डीटी कर दिया एंड ओके कर देता हूं। यहां देखिए डीटी नाम का मैक्रो क्रिएट हो गया। अब मैंने डेटा को क्लिक किया, देखिए क्लिक करने का कोड जनरेट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट फिल्टर लगाया, फिल्टर लग गया। फिर हम यहाँ पे सिटी पे जाते हैं, एक सिटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहीं पे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट और हटा के सिर्फ दिल्ली ले लिया एंड ओके। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, देखिए जब भी आप रिकॉर्ड मैक्रो करें तो सिलेक्शन जो है ना माउस से ना करें, क्योंकि माउस सिलेक्शन करेंगे तो जो कोड जनरेट होगा एक पर्टिकुलर एरिया का हो। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन। अब इसको डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि फिल्टर डेटा है। अगर फिल्टर डेटा कॉपी करेंगे तो समटाइम क्या होता है कि पीछे के डेटा को भी कॉपी हो जाने की चांसेस होती है। तो यहां पे हम करेंगे कंट्रोल जी, हम जाएंगे स्पेशल, स्पेशल के अंदर में हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पे विजुअल सेल्स ओनली, विजुअल सेल्स ओनली दैट ओके। और फिर इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एक मेरे पास ऑलरेडी शीट थ्री है, पर प्रॉब्लम क्या होगा कि जब भी हम मैक्रो रन करेंगे तो हमारे पास शीट थ्री होना ही चाहिए। अगर शीट थ्री नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम यहां एक नई शीट ऐड कर लेंगे ताकि नई शीट ऐड करने का कोड यहां आ जाए। फिर इसको यहां पे पेस्ट किया। यहां पे सिटी का नाम जो है सीट फोर, यहां पे सीट फोर के जगह पे दिल्ली कर देते हैं। फिर इस सिटी को मैंने यहां से राइट क्लिक किया, मूव, मूव में क्रिएट कॉपी नहीं, मूव कर दे तो सीधे मूव ही करना है, न्यू वर्कबुक एंड ओके। एक फाइल में इसको सेव किया और इसको फिर सेव और एक लोकेशन चूज किया डी ड्राइव में और इसका नाम दे दिया दिल्ली और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। फिर डेटा शीट पे आए, फिल्टर को हटाते हैं और फिर यहां से इसको स्टॉप कर देते, ठीक है। अब चलिए इस कोड में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोड अभी रन नहीं करेगा, इस कोड के अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम अभी भी है। तो क्या प्रॉब्लम है चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि हम जानते हैं कि डेटा में एक बार जो हम डेटा में जब हम भी फिल्टर एक बार लगाया फिर वापस लगाते हटाते हैं तो फिल्टर हट जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां भी ऑटो फिल्टर है और यहां भी ऑटो फिल्टर है, तो दो ऑटो फिल्टर नहीं लगेगा। तो ए वाला ऑटो फिल्टर जो है हम यहां से हटा देते हैं। फिर एक्टिव शीट डॉट रेंज A1 से लेके H16। अब यही पे दिक्कत आ गई, डायनेमिक नहीं है। कल के दिन में डेटा अगर 300, 400, 500, 1000, 10000 हुआ तो, लेकिन आपने देखा था कि जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैं कोई एरिया सिलेक्ट नहीं किया था, बिना सिलेक्ट किए ही पीवर हमने फिल्टर लगा दिया। तो फिर यहां रेंज क्यों करें, हम यहां से रेंज डिलीट कर देते हैं। A1 डॉट ऑटो फिल्टर दिल्ली सही है, ये सही है, यहां भी सही है। कॉपी पेस्ट एक्टिव डॉट पेस्ट सीट फोर डॉट सेलेक्ट, क्योंकि जब भी सीट ऐड होगा सीट फोर तो होगा नहीं, जब भी हम सीट सेलेक्ट करेंगे तो सीट फोर नहीं होगा, तो सीट फोर को डिलीट करते हैं। यहां भी सीट फोर डॉट रिनेम, तो यहां एक्टिव सीट डॉट पेस्ट दिख रहा है, जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है,
तो हम एक्टिव सी डॉट यहां पे पेस्ट कर देंगे। आप बोलेंगे सर ये तो आपको पता है इसलिए बता दे, मुझे तो पता नहीं है। देखिए ये चीज मैं आपको नहीं समझा रहा कोड क्या, हम आपको बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मैक्रो का बेनिफिट क्या है। कुछ लोग रिकॉर्डिंग मैक्रो को हल्के में लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग मैक्रो से भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, कुछ कोड को डिलीट करना है, कुछ कोड को मॉडिफाई करना है, सिंपल सा। अभी मेरा यहाँ पे दो चीजें हैं, ये फालतू में हो गया था, इसको हटा दीजिए। अब मेरा कोड परफेक्टली रन करेगा, लेकिन एवरी टाइम दिल्ली का ही डेटा देगा। लेकिन मुझे तो ऐसा चाहिए जो पूछे मुझसे किसका डेटा चाहिए, तो वो चीज मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, वो होता है इनपुट बॉक्स। तो मैंने सी इक्वल यहां पे सी नहीं करता हूं, डी, हाँ डी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे मैंने कर दिया कि प्लीज एंटर सिटी नेम। तो ये क्या हो गया, ये पॉपअप जब भी रन होगा तो एक पॉपअप आएगा जिसमें हम सिटी का नाम एंट्री करेंगे, और वो स्टोर क्या हो जाएगा, डी के ऊपर। अब डी क्या है, जब हम मैथमेटिक्स इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स वाई जेड लेते हैं ना, कि सपोज एक्स इक्वल टू 100 एंड देन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 110 होता है ना सर, उसी तरह से इसने एक टेम्परली सेविंग लोकेशन हो गया एबीसीडी। तो इनपुट बॉक्स यहाँ डी पे स्टोर कर दिया सिटी को, अब मुझे जहां जहां सिटी चाहिए बस वहां वहां हमें डी लेना है, सिर्फ डी। तो डायनेमिक हो जाएगा, लेकिन यहां पे डी लेना थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्यों, क्योंकि अगर मैं डी लिख दूंगा तो इन्वर्टर कॉमा के बीच में तो डी नाम का ही फाइल बना देगा, इसलिए मुझे यहां पे कॉनकेट करना पड़ेगा ताकि डी की वैल्यू उठा। अब परफेक्ट है आपका फाइल, अब एक बार रन करते हैं, मैं यहां ओपन करता हूं, इसको रन करते हैं, माइक्रोस रन, रन किया सिटी नेम, तो मान लीजिए सिटी नेम में मैं दे दिया नोएडा और ओके करता हूं, तो कुछ सेकेंड्स के अंदर में नोएडा का फाइल बना के दे दिया। आप देखेंगे डी ड्राइव पे जाके तो नोएडा नाम की फाइल बन गई है, बन गई। इसके अंदर खोलेंगे जिसके अंदर जो डेटा होगा वो सिर्फ नोएडा का डेटा, शीट का नाम भी नोएडा होगा। तो हमने क्या किया, हमने रिकॉर्ड मैक्रो किया और मैक्रो कोडिंग को पढ़ा, जो फालतू कोड थे उसको डिलीट किया, जो कोड को डायनेमिक करना था उसको चेंज किया और कुछ कोड को ऐड किया, बस, और हमारा मैक्रो बन गया। और आपने देखा कि बड़ी सी कोडिंग लिखने से हम बच गए। तो आप आगे चल के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कोडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर कोडिंग को मॉडिफाई कर लीजिए, बड़े बड़े कोड्स लाइन लिखने से आप बच जाएंगे, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। सर वो सिटी का कैसे किया सर आपने, मतलब डायनेमिक कैसे किया, नोएडा दिल्ली बताया ना आपको, क्या दिखाया आपको, यहाँ पे हमने इनपुट बॉक्स लिया ना, यहाँ पे इनपुट बॉक्स जो भी रन करते जो पॉपअप आया जहाँ पे सिटी नेम डाले थे वो इसी कोड से, समझे, अच्छा डी ओके। हाँ तो इस कोड पे जो हम वैल्यू डालेंगे, जब इनपुट बॉक्स चला जो इसके अंदर जो हम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू जो होगी सिटी में नोएडा दिल्ली पुणे मुंबई जो भी डालेंगे वो डी नाम के एक ऑब्जेक्ट पे स्टोर कर रहे। अच्छा डी ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्या उसको, अच्छा हाँ इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, या इसको सिंपल बोल सकते हैं टेम्परली सेविंग लोकेशन, कि अगर माइक्रो के अंदर कहीं डेटा को कहीं होल्ड करना है सेव करवाना है तो अब इस तरह से एबीसीडी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे मैथमेटिक में लेते हैं ना एक्स वाई जेड, सेम उसी तरह से, और जहां जहां मुझे सिटी चाहिए तो वहां डी ले लिया। काका पे यूज हुआ है सर ये ऑब्जेक्ट का, मतलब यहाँ देखिए हमने फिल्टर में यूज किया है, हमने सीट नेम में यूज किया है, हमने फाइल नेम में यूज किया है। अगर हम ये नहीं यूज करते तो क्या करना होता, कि इस इनपुट बॉक्स को मुझे तीन जगह इस्तेमाल करना और तीन बार यूजर से इनपुट, मतलब आपको जो सिटी का नाम तीन बार डालना, समझे, अच्छा 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 ठीक ठीक है सर, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ एक बार डाल के यहाँ पे होल्ड करवा दिया और फिर उससे जहां भी सप्लाई करवाना हो सप्लाई करवा दिए। सर एक चीज पूछनी थी मुझे, पूछिए
ये डी को हमने डी को हमने बताया कहा बताया कि कहा कि मतलब कि मतलब ये वो कि ये चीज वो है, चीज है मतलब इसमें। देखिए जैसे बेसिकली क्या है कि बीवीए प्रोग्रामिंग जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, डिफॉल्ट बता भी सकते हैं और डिफॉल्ट भी ले सकते। तो हमने बताया नहीं, इसमें डिफॉल्ट इसमें वेरिएंट ले लिया, अच्छा डिफॉल्ट डिफॉल्ट वेरिएंट ले वेरिएंट लिया, ले लिया जी, वेरिएबल। वेरिएबल या वेरिएबल जो है डिफॉल्ट ले लिया। और यहाँ पे ऊपर मैंने ऑप्शन स्प्लिट नहीं डाला हुआ है। अगर मैं ऊपर में कोड के सबसे स्टार्टिंग में ऑप्शन स्प्लिट होता है ना, वो अगर मैंने डाल दिया तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। तो ये फाइल, सबसे पहले मैं ये फाइल आपको दे रहा हूं, आप इस फाइल को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद जैसे मैंने चेंज किया वैसे चेंज करें, सेम टू सेम। ठीक है, और उसके बाद आप इसको देखिए कि आप अपने ऑफिस में इस तरह कुछ काम है तो क्या उस काम को इस एग्जाम्पल को लेके किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सर बहुत काम होते हैं काम होते ऐसे। हैं जो, हाँ, तो ये आप एक बार अपने हिसाब से देखें कि कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और जहां प्रॉब्लम होती है वहां मुझे कॉल करके मुझसे बात ठीक है सर। करें।